अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिसर्च प्रपोज़ल। रिसर्च प्रपोज़ल इटसेल्फ क्या है और किस किस टाइप के रिसर्च प्रपोज़ल्स होता है, इस वीडियो में यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग रिसर्च प्रपोज़ल लिख रहे हो तो उसमें कौन कौन सी मेन चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, ये सभी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर आप ये एक ग्राफिक, एक पिक्चर मेरे पास देख रहे हो, ठीक है। रिसर्च प्रपोज़ल यहाँ पर सेंटर में और साइड पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। वॉट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि रिसर्च प्रपोज़ल हमारे पास इन टाइप्स के हो सकते हैं। हम लोग जो अपनी रिसर्च कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो सकती है, सर्वे बेस्ड रिसर्च हो सकती है, या फिर इन टाइप की किसी भी टाइप की रिसर्च हो सकती है। मतलब आप हिस्टोरिकल बेस पे, हिस्ट्रिक के बेस के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हो, या फिर एक्शन रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। तो रिसर्च प्रपोज़ल भी हम लोग कब सबमिट करवाते हैं? जब आप कोई पर्टिकुलर रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो तो उसके स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल के ऊपर हमें रिसर्च प्रपोज़ल सबमिट करवाना होता है। तो रिसर्च प्रपोज़ल एक्चुअली में होता क्या है देख लेते हैं। रिसर्च प्रपोज़ल इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रपोज्ड प्रोग्राम एरिया और द फील्ड। क्या होता है ये? हमारे पास एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप लोग क्या बताते हो, क्या प्रोवाइड करते हो, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हो अबाउट द प्रपोज्ड एरिया और द फील्ड। मतलब आप जिस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपनी रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, डॉक्यूमेंट बनाते हो। इट इज़ अ समरी ऑफ इंटायर रिसर्च प्रोसेस। आप इसमें क्या क्या बताते हो, एक समरी दे देते हो कि मुझे इस टाइप से रिसर्च करनी है, इसके अंदर मैं ये चीज़ें, ये मेथडोलॉजी यूज़ करूँगी या करूँगा। इट डिफाइंस द प्रॉब्लम, स्टेट क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस। इट डिफाइंस क्लियर पर्पस ऑफ द स्टडी एंड इट्स जस्टिफिकेशन एज वेल। यानी कि आप अपने रिसर्च प्रपोज़ल में ये बताते हो कि कौन सी प्रॉब्लम अकर हुई जिसकी वजह से मैं ये रिसर्च वर्क कंडक्ट करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और उसकी क्लियर जस्टिफिकेशन बता दो कि किस टाइप से आपने उस प्रॉब्लम्स को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। इट ओके, ये हो गया। इट स्टेट्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू कैरी आउट दी स्टडी। अपने रिसर्च प्रपोज़ल के अंदर आप ये चीज़ भी आइडेंटिफाई करते हो कि आपने स्टेप बाय स्टेप अपने रिसर्च में किस तरह से काम करना है। तो ये तो देख लिया हमने रिसर्च प्रपोज़ल की एक डेफिनेशन, और हमने ये देख लिया कि रिसर्च प्रपोज़ल किस किस टाइप के हो सकते हैं। अब अगर हम रिसर्च प्रपोज़ल बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं जो कि हमें इंक्लूड करनी होती हैं? तो यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट अवेलेबल है, यू कैन सी हियर। जब भी आप कोई रिसर्च प्रपोज़ल लिखते हो तो उसमें ये हेडिंग्स आपने लाजमी ऐड करनी होती हैं। लाजमी तो नहीं, बट ये हेडिंग्स वहाँ पर मोस्टली ऐड की जाती हैं, जिनमें हमारे पास एक टाइटल होता है, ठीक है। मतलब आपकी रिसर्च का टाइटल क्या है, वही आप अपने रिसर्च प्रपोज़ल का टाइटल रखते हो। देन आप अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन ऐड करते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हो कि आप किस टाइप से रिसर्च करने जा रहे हो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेक्शन में आप जो है वो मेजर इशूज़ डिफाइन करते हो, कौन कौन से पर्टिकुलर इशूज़ हैं जो कि आपने सॉल्व करने का सोचा है। स्कोप ऑफ द स्टडी क्या है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपने फुलफ़िल करना है। हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करते हो। लिटरेचर रिव्यू बताते हो कि कौन कौन से सोर्सेज से आपने लिटरेचर रिव्यू किया है। मेथडोलॉजी आप कौन सी फॉलो करने वाले हो वो चीज़ आप वहाँ पर मैंशन करते हो। लिमिटेशंस एंड डिलिमिटेशंस ऑफ दी स्टडी, आपके जो भी रिसर्च आप कर रहे हो उसके अंदर लिमिटेशंस कौन कौन सी होंगी। ऐसा तो नहीं है कि हम एक किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हर चीज़ के ऊपर रिसर्च कर लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो आपने बतानी होती हैं। एंड फाइनली रेफरेंसेज ऐड करते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अपने रिसर्च प्रपोज़ल में ऐड करते हो। तो इस वीडियो में हमने बात की अबाउट द रिसर्च प्रपोज़ल। रिसर्च प्रपोज़ल क्या होता है, किस टाइप से लिखते हो, किस कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं, उनमें कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं जो कि इंक्लूड होती हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू।